बोलो। कार्तिका वो तुम्हें से देखती हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, थोड़ा पलट जाओ ना प्लीज। ओह ये पागल हो गया है, चलो जाओ। हाँ पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी, नहीं हो पाई। माँ के साथ ओपन होना चाहती थी, नहीं रह पाई। मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी, नहीं रह पाई। मैं दूसरों की तरह रह रही थी, पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए डिस्टर्ब हो गई थी। तुमने आइडेंटिफाई किया कि असल में मैं क्या हूँ। मेरे अंदर जो बदलाव आया वो तुम्हारी वजह से आया। अब ये सब होने के बाद तुम साइलेंट होकर जा रहे हो। क्या कहा, जरा फिर से कहना। मैं नहीं हूँ, ये बात तुमने आइडेंटिफाई की थी। मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो तुम्हारी वजह से आया है, और उसके बाद साइलेंट होकर जा रहे हो। तुम्हें मार्क्स के साथ बातें भी करना आ गया, आओ। अगर हमारे बीच के डिस्टेंस को मिटाना है तो पापा को इम्प्रेस करना होगा। इम्पॉसिबल। हाँ? तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, ये इम्पॉसिबल है। भाई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे एक इंस्टॉलमेंट भरना है। पेटीएम है क्या? कार्तिक की डिटेल्स चाहिए। बीटेक थर्ड ईयर। चल हट। चला जाऊं? जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जी पापा। क्यों आया था? इस बुढ़ी नहीं फंसाया है। बंदर कहीं की। जवाब दो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं पापा? अब हमारे घर में फंक्शन है तो लाखों लोग आएंगे ना, अब वो भी आ गए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बाप रे, इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। अगर ऐसे रहना तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है, कॉलेज छोड़ के घर में बैठो। बॉय का मजा। मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना है। आप ही ने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जबरदस्ती मुझे हॉस्टल में डाल दिया। ठीक है, माना कि आपका गांव में नाम बड़ा है, लेकिन बस इसलिए कि आप घर से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीनियर है। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी और फर्स्ट क्लास पास भी हो गई। और आपको पता है पूरी क्लास ने मेरे लिए क्लैपिंग भी की थी। प्रिंसिपल को फोन कर रहे मुथु, इसकी पूरी जन्म कुंडली बाहर आ जाएगी। आप चुप रहिए, मेरे पापा को मुझ पर भरोसा है, वो फोन नहीं करेंगे। वहाँ देख प्रिंसिपल साहब। हाँ बोलो। मैं वीरा मुथु बोल रहा हूँ, मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्पीकर पर डाल। She is very bad student. मैंने क्या कहा था? अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे एक घंटे उठक बैठक करना पड़ेगा। She is brilliant student. इस बार के एग्जाम में she is a topper. ये है मेरी बेटी, कल से तू कॉलेज जा बेटा। ठीक है। ए स्वामी, गुस्सा आए तो भी नहीं रोक सकता और खुश हो तब भी नहीं रोक सकता, किस्मत मेरी। ओए चल हट, चल जा। यार आजकल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा मेरा, ये सच कह रहा हूँ मैं। फ्रेंडशिप तो तुम्हारी है, साथ में आते हो साथ में जाते हो। भाई तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, मुझे क्या समझ में आया बताना। एक सांप ने एक पावर से दोस्ती कर ली, दोनों जो है एक साथ रहते थे। एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि ये तो सिर्फ सांप है। अब सांप के अंदर जहर नहीं था, वो क्या है कि सांप के अंदर से उसका पावर चला गया था। लोगों को पता चलेगा तो सांप को मार देंगे ना। सांप की तरह पावरफुल तो तुम हो भाई, कुछ सोचो ना हमारे बारे में। सर वीरा मुथु जी का घर यही है। पापा आफ्टर ड्राइवर, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ वो गाड़ी रोकेगा, उसके बोलने से हम नहीं उतरेंगे। शो सम एटीट्यूड। अरे बेटा जाने देना, अरे देरी हो रही है। मम्मी
बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, पकड़ पकड़ खेलना पड़ेगा, बाद में खेल लेंगे। जब मैंने कहा कि अभी मतलब कि अभी। कार को चलाते रहो, जब बेटा बोलेगा तभी रोकना। आई लव यू डैडी। गाड़ी यहीं पर रोको। पापा ये वीरा मुत्तु का घर है ना? एक बार देखा था बेटा, क्या याददाश्त है तेरी। ये सब आपकी देन है मम्मी। काफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साहब। मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनेस है। हाँ। खेती करते हैं क्या? अब ये क्या खेती की बातें लगा रखी है, लड़की को दिखाइए ना जल्दी। पान की खुशबू लो। बच्चे को छोड़, लड़की आई है देख। ये लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है। कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने। आपकी नहीं मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। इनके साथ 2 मिनट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूँ विदाउट योर परमिशन। आजकल तो ये सब कॉमन बात है ना, हम सब लोग इन्हें छोड़कर बाहर चलते हैं ना। हेलो, पूरे गांव में पोस्टर का क्या लफड़ा है? क्या आपने किसी से लव किया है? आप मुझसे कह सकती हैं, यू कैन ट्रस्ट मी, एक दोस्त समझकर बोल दीजिए प्लीज। हाँ, मैं एक लड़के से डीपली प्यार करती हूँ, तुमसे शादी तो कर लूंगी पर दिल में वही रहेगा। अब क्या बोलूं मैं, नॉट जस्ट लव, जस्ट ट्रू लव। हैट्स ऑफ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ प्लीज? ओके, डायल कीजिए ना। हेलो। हेलो, कौन? हेलो ब्रो, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोहराएंगे प्लीज? तुमसे शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा। कार्तिका, थैंक यू सो मच ब्रो। मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारी वजह से फिर से चांस मिल गया। रिवेंज मतलब? मैंने एक लड़की से डीपली प्यार किया था, ठीक शादी के टाइम उसका लवर उसे शादी के मंडप से उठाकर ले गया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मेरी लवर ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और के लवर से ही शादी करूंगा। अबे तू पागल हो गया क्या? किसी और का रिवेंज मुझ पर क्यों? देख, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ये मामला भी ऐसा ही है। ए क्रो ब्रदर, 1 हफ्ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले। प्यार में धोखा मिलने में जो फीलिंग मुझे हो रही है वही फीलिंग तुझे भी होनी चाहिए। तेरे कैरेक्टर को जानने के लिए तेरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी कैपेसिटी जानने के लिए तेरे दुश्मन का। ये एक तमिल फिल्म का डायलॉग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूँ पूरे दिल से। आज से तू मेरा जानी दुश्मन है। ए पापा, वो लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है। एंगेजमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट शादी। एंगेजमेंट के बिना शादी कैसे होगी? भाई साहब, डायरेक्ट शादी कर लेते। आई लव यू डैडी। अच्छा सुनो, वो रिवेंज मैन की क्या कंडीशन है? किडनैपिंग के बाद तो दादी पूरी तरह बदल गई है। वो कह रहे थे कि उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। कमाल हो गया यार। अरे बाप रे। पापा। पापा, बहुत मुश्किल हो रही है, मुहूर्त बदलना ही पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, लड़की वालों ने दूल्हा ही बदल दिया। अरे क्या बकवास कर रहे हैं पापा, लड़के को मोशन होगा तो मुहूर्त को बदलेंगे ना कि दूल्हे को बदलेंगे, समझे ना? अब खेलना ही पड़ेगा। तो खेलते, तो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ।